हाय गाइज, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं हूं रुधीर। कैसे हैं आप लोग? गाइज, आज हम लोग देखने वाले हैं BFC न्यूज चैनल से, देखिए इंटरव्यू पहली बार मनीष कश्यप किए पवन सिंह का, जमकर तारीफ पवन सिंह। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसके ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो भी कलाकार, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, रितेश पांडे हो, राकेश मिश्रा हो, जो भी कलाकार हो, अगर अच्छा गाना गाए, कल्लू हो, उन लोगों का हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अरे घोड़ी छिलना और चटना को इतना ना वायरल करना, फोटो ले दे। एक गाना से जाके खरीद लिया 30 लाख का गाना, गलत हो रहा तो विरोध कर लीजिए, लेकिन असली गानों को वायरल मत करा। अश्लीलता जो है भोजपुरी से हम लोग खत्म कर सकते हैं और हम लोग खत्म करेंगे। पहले खेसारी लाल यादव को गाली दिए, फिर आज खेसारी लाल यादव की चर्चा करते हैं इंटरव्यू लेके। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि यादव का ही सपोर्ट करना है, तो खेसारी लाल यादव का ना करके किसी और का सपोर्ट करिए। विरोध करता हूं, लेकिन वही अक्षरा सिंह अगर एक कार्यक्रम में आती है जहां पे लोगों का इलाज, आंखों का इलाज फ्री में होगा, तो अक्षरा सिंह का सपोर्ट करता हूं। मेरा नाम अनमोल तिवारी है और आप आर मीडिया देख रहे हैं। हमारे साथ सोना बिहार मनीष कश्यप है और खेसारी लाल यादव के तबला गाने के लॉन्चिंग पे पहुंचे हुए हैं गांधी मैदान होटल पनास में। सर, तबला गाने को लेके क्या कहेंगे? एक महंगा गाना है और बड़ा बजट का गाना है, और इस प्रकार के गानों का जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए, और अश्लील गानों के खिलाफ जो है हम लोग जो चर्चा करते हैं, वो अश्लील गानों के खिलाफ चर्चा ना करके अच्छे गानों को सपोर्ट करें। और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के जो ए ग्रेड के कलाकार है, यानी जो बड़े कलाकार है, वो अब लगातार जो है ये प्रयास कर रहे हैं अच्छा गाना गाने का। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि अच्छा गाना जो है 100 मिलियन नहीं क्रॉस कर पा रहा है, और जितना अश्लील गाना है वो सारा 100 मिलियन क्रॉस कर जा रहा है। तो ऐसे ऐसे गानों का जो भी कलाकार, चाहे वो खेसारी लाल यादव हो, पवन सिंह हो, रितेश पांडे हो, राकेश मिश्रा हो, जो भी कलाकार हो, अगर अच्छा गाना गाए, कल्लू हो, उन लोगों का हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप खेसारी लाल यादव के बारे में कुछ कह रहे हैं, जिसपे कहा जा रहा है कि पहले खेसारी लाल यादव को गाली दिए, फिर आज खेसारी लाल यादव की चर्चा करते हैं इंटरव्यू लेके। कभी भी खेसारी लाल यादव के माँ बहन का गाली नहीं दिया हूँ, और कभी भी अपशब्द का प्रयोग किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार के लिए नहीं किया हूँ। हाँ, सवाल तो किया हूँ, और मैं आज भी खेसारी लाल यादव जी के साथ बैठा था तो वो बोले, वीडियो में बोले वो, कि ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी गलत करता हूं तो सवाल करते हैं, और सही करता हूं तो साथ में खड़े रहते हैं। मान लीजिए अनमोल, आप पत्रकार हैं, आप सही काम करेंगे तो आपके साथ मुझे खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। और अगर आपकी कोई गलती मुझे दिख रही है तो उसमें सुधार करवाने के लिए आपसे ये बात कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? बिल्कुल कहना चाहिए। तो हम मीडिया वाले बात जो है वीडियो के माध्यम से कहते हैं, तो अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का गड़बड़ी हो रहा है तो वीडियो के माध्यम से, और अच्छाई हो रहा है तो वीडियो के माध्यम से। एक लाइव का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप कह रहे हैं कि यादव का ही सपोर्ट करना है, तो खेसारी लाल यादव का ना करके किसी और का सपोर्ट करिए। नहीं, आप समझे नहीं है, उस पूरा वीडियो को नहीं समझे। अश्लील गाने पे मैंने सवाल किया था, और उस समय जो वो एक लड़का है जो आरा का था, जिससे विवाद हुआ था, क्या नाम था, पंकज नाम का लड़का का साथ, आरा का जो लड़का था या बक्सर का जो लड़का था जिसका विवाद हुआ था, उस समय मैंने ये बात बोला था, और मैं किस सेंस में बोला था वो अलग है। पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। अगर मान लीजिए कि कहीं भी बिहार में किसी भी प्रकार का मैं गड़बड़ी करता हूं, तो आप ही मीडिया वाले मेरे खिलाफ वीडियो बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? और जब मैं अच्छा करता हूं तो आप मीडिया वाले मेरे साथ खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं ना। तो वैसे ही अगर हम लोग गलत को गलत और सही को सही कहना सीख लेंगे, हमारा बिहार बदलेगा। और आज देखिए कि इन लोगों में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और ये सभी जो कलाकार हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े कलाकार हैं, वो आज लगातार अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब अच्छा काम कर रहे हैं तो सपोर्ट करना चाहिए। अक्षरा सिंह को लेकर भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुराने वीडियो में आप उनका विरोध थे और नए वीडियो में उनको शेरनी बोल, क्या लाल सिंह चड्ढा का उन्होंने प्रमोशन किया था। आज भी मैं उस फिल्म का विरोध करता हूं। लेकिन वही अक्षरा सिंह अगर एक कार्यक्रम में आती है जहां पे लोगों का इलाज, आंखों का इलाज फ्री में होगा, तो अक्षरा सिंह का सपोर्ट करता हूं मैं। हर आदमी में पॉजिटिव निगेटिव होता है। आप जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आज तक जी न्यूज, रिपब्लिक भारत, NDTV, इस देश का TV9 भारतवर्ष, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, भास्कर, प्रभात खबर, इस देश का जितना प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, वही मीडिया
मोदी जी की अच्छाइयों को दिखाता है और जब पुल गिर जाता है मोरबी का पुल तो बुराइयों को भी दिखाता है, दिखाता है कि नहीं? तो अगर वो लोग ये काम करते हैं और मैं भी मीडिया में हूँ, मैं ये काम कर देता हूँ तो कौन सा गुनाह कर देता हूँ? भोजपुरी का अश्लीलता का सवाल खड़ा होता है, क्या आपको लगता है भोजपुरी का अश्लीलता खत्म हो जाएगी? अश्लीलता जो है भोजपुरी से हम लोग खत्म कर सकते हैं और हम लोग खत्म करेंगे तो हो जाएगा। भोजपुरी का अश्लीलता कैसे खत्म किया जा सकता है? बस हम लोग अच्छे अच्छे गानों को सुनना शुरू कर दे, अश्लीलता खत्म हो जाएगा। अच्छा, अगर गलत हो रहा है तो विरोध नहीं होना चाहिए? गलत हो रहा है तो विरोध तो कीजिए, गलत हो रहा है तो विरोध तो कीजिए, लेकिन अश्लील गानों को वायरल मत करा दीजिए। लेकिन अगर अश्लील गाने हैं, अरे घोड़ी छिलना और चटना को इतना ना वायरल करना, फोटो ले दे, वो एक गाना से जाके खरीद लिया 30 लाख का गाड़ी। लेकिन भैया अगर कहीं कुछ नंगा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो उसको गलत कहने वाला तो हम ही है ना? ठीक है, कहिए कहिए भैया, गाना कैसे मतलब सही किया जाए? सही किया जाएगा, मत सुनिए वो सब के कलाकारों के पास मत जाइए। आए दिन भोजपुरी में मतलब वायरल होते रहता है और उस पर सवाल खड़े होते रहते हैं, तो इसको कैसे सही किया जा सकता है? इसको सही करने का एक ही तरीका है कि उसको वायरल मत कीजिए, वायरल मत कीजिए, हो गया इसका। चलो भैया, बात तो यार सही कही है मनीष भैया ने, ठीक है कि हाँ देखो, गलत चीज़ को अगर आप बार बार दिखाओगे तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे ही, है ना? लाइक एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अगर किसी रोस्ट वीडियो का पर रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ, ठीक है, लाइक किसी का भी रोस्ट है, चाहे वो जंड जी का रोस्ट है, चाहे वो क्रेजी नंबर वन का रोस्ट है, रोस्ट वीडियो है, ठीक है, और कोई सी भी रोस्ट वीडियो है, तो उसमें वो लोग अपना वीडियो, अपनी बात बताने के लिए वो क्लिप्स छोटी छोटी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो करनी पड़ती है क्योंकि पर्पस है उसका कि हाँ उस बात को उन्हें बताना है कि हाँ ये चीज़ गलत हो रहा है, ठीक, तो वो एक पर्पस के लिए छोटी सी क्लिप यूज़ की जाती है। तो मतलब अगर मैं उस चीज़ का रिएक्शन करती हूँ, देन कमेंट आता है ये कि आप भी इन सब चीज़ों को बढ़ावा दे रही हैं। नहीं, आप पर्पस समझा करो, जैसा कि मनीष भैया ने यहाँ पे कहा कि वीडियो का जो आप मतलब है ना, सही बात का सही सेंस समझा करो, ठीक है, कि आखिर बोल क्या रहे हैं जो वीडियो में इंसान है, वो बोल क्या रहे हैं। अगर जो इंसान वो गलत बोल रहा है, देन आपको गलत बोलना है उसके लिए, ठीक है, आपको उसको सपोर्ट नहीं करना है। अगर वो इंसान सही बोल रहा है तो उसे सपोर्ट ज़रूर करें, ठीक। जस्ट लाइक आपने कई सारे ऐसे गाने देख लिए यहाँ पे भोजपुरी में, आपने राज भाई के सॉन्ग देखे हैं, ठीक है, उनके गाने कुछ ऐसे होते हैं जो लो बजट होते हैं लेकिन फिर भी बहुत अच्छे होते हैं, तो उनको सपोर्ट करना चाहिए हमें, ठीक है। और वहीं उनका एक बड़ा बजट का गाना भी आया था, है ना, उड़नी वाला, तो वो उसको भी मतलब आपको सपोर्ट करना चाहिए था। एट अ टाइम उस टाइम सपोर्ट नहीं मिला जब वो गाना आया था, लेकिन धीरे धीरे कोशिशों से सबने उसे बढ़ावा दिया। अभी यहाँ पे खेसारी लाल भैया का ये तबला सॉन्ग है, ठीक है, और कोका कोला सॉन्ग है, ठीक, और भी इस टाइप के कई सारे एंटरटेनिंग सॉन्ग हैं जिनको हमें सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि ये एक मतलब अच्छे गाने हैं, उसमें कुछ गलत नहीं था। पहली बात तो एंटरटेनमेंट के नाम पे आपको अश्लीलता ना परोसी जाए, आप इस बात को समझिए, ठीक है। वल्गर और बोल्ड, इन दो चीज़ों में बहुत अंतर होता है, ठीक है, बहुत अंतर होता है। आप अगर सेंशुअल चीज़ें दिखा रहे हैं, हद से ज़्यादा सेंशुअल चीज़ें, लाइक खेसारी लाल भैया का अभी एक सॉन्ग आया है वो दर्दिया, ठीक है, तो उसमें मैंने बोला कि भैया वो ओवर सेंशुअल है, ओवर रोमांटिक सॉन्ग है, ठीक है, उस चीज़ के रिएक्शन में जब मैंने बोला ये चीज़, ठीक। और जब तबला सॉन्ग आया था तो मैंने कहा था भाई, रेखा जी वाली याद आ गई है ना, कि रेखा जी वाला जो गाना था उसके ही म्यूज़िक पर ये सॉन्ग बना था, और उस चीज़ की याद आ गई, क्योंकि ये जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह सब देखकर, ये हम उस जमाने में उस टाइम के सॉन्ग्स में देखे थे, है ना, जब रेखा जी परफॉर्म करती थी। तो ये चीज़ है भाई, कंपैरिजन तो देखो, अभी वो ढोड़ी चटना बा, ढोड़ी छिलना बा, है ना, ये करना बा, वो करना बा, तो इस टाइप के सॉन्ग्स का विरोध जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हें सुनना बंद नहीं करेंगे, तब तक कैसे इंसान मतलब कैसे ये इंडस्ट्री सुधरेगी। तो ये चीज़ है, बात का मतलब समझा करो, उसके बाद बोला करो, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।